इस दिन धूम मचाएगा कार्तिकारन की या 3 का ट्रेलर, जयपुर में होगा लॉन्च इवेंट। कार्तिकारन की फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक। इसकी रिलीज को लेकर तमाम अटकलों के बीच ये दावे किए जा रहे हैं कि फिल्म दिवाली साल 2024 पर बड़े पर्दे पर आ जाएगी। हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी किया गया था और आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया गया कि इस दिवाली सिनेमाघरों में ये फिल्म दस्तक देगी। फिल्म के टीजर पहले ही जारी हो चुके हैं जिसे फैंस ने खूब पसंद भी किया था। वही फिल्म को लेकर नई जानकारी जो है वो सामने आ रही है। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर से जुड़ी कई नई जानकारी सामने आई है। टीजर के बाद अब फिल्म के निर्माता इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रेलर जारी करने की योजना जो है वो बना ली है। रिपोर्ट के अनुसार भूल भुलैया 3 का ट्रेलर 9 अक्टूबर 2024 को रिलीज हो सकता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि ट्रेलर को राजस्थान के जयपुर शहर में भव्य तरीके से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस पहलू पर अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं है। इसी बीच रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर 3 मिनट से ज्यादा लंबा है। इससे पहले खबर थी कि इसका ट्रेलर 6 अक्टूबर को आना था, लेकिन उसमें देरी हुई और अब 9 अक्टूबर को निर्माता फिल्म का ट्रेलर प्रोमो जारी करेंगे। हालांकि इस बारे में निर्माता ने कोई भी आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। इससे पहले फिल्म के टीजर में कार्तिकारन और विद्या बालन और सिप्री दिमरी की झलक देखने को मिली थी, जिसमें विद्या मौंजलिका के रूप में नजर आई हैं। टीजर से पहले कार्तिक आर्यन ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था जिसमें एक बंद दरवाजा नजर आ रहा था और दरवाजे पर बड़ा सा एक पुराना ताला लटका हुआ था। ताले पर मंत्र के दाग है, रुद्राक्ष माला और कलावा बंधा हुआ है। वही पोस्टर के साथ लिखा था, दरवाजा खुलेगा इस दिवाली। दरअसल दिवाली पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है और सभी को बेसब्री से इंतजार है फिल्म का। इसी के साथ ये फिल्म क्लैश भी होने वाली है अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 के ट्रेलर का। आपका दोस्तों क्या कहना है इसको लेकर, आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।